वेलकम टू एग्जाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम अपने चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटीटेट के लिए पी वाई क्यू सीरीज। जो ये पी वाई क्यू सीरीज है, आपकी परीक्षा हेतु काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू से लेकर अंत तक इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि एलटीटेट जैसी परीक्षाओं में प्रश्न अधिकतर रिपीट होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने शुरू से लेकर अंत तक इसको ध्यान से देखना है, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी ये सीरीज। तो इस वीडियो से पहले भी हमने इसके बहुत से पार्ट्स को डिस्कस करा है, अगर अभी तक आपने उन्हें नहीं देखा है तो समय रहते आप उन्हें भी देखिएगा, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। तो देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा जो एलटीटेट है, एलटीटेट जून 2024, इसके लिए हमारी टीम के द्वारा एक बैच नया बिठाया गया है आरंभ नाम से। ये 3 मंथ तक चलेगा। अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है या फिर आपके कोई नियर डियर है जो इंटरेस्टेड है एलटीटेट की बैच को ज्वाइन करने के लिए, तो आप उन्हें हमारा चैनल या हमारा प्लेटफॉर्म रेकमेंड कर सकते हैं। आप लोगों की जेब को ध्यान में रखकर इसकी फीस भी रखी गई है, बहुत ही नॉमिनल फीस है। 3 महीने में आपको जो हिंदी साहित्य का रहता है 120 नंबर का, जैसे कि आपको पता ही होगा एलटीटेट में आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 में से 120 क्वेश्चन हम आपके तैयार करवा देंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो जीके का आपको स्वयं पढ़ना पड़ेगा, महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि हम सेंड कर देते हैं जीके की। तो आगे और थोड़ी सी जानकारी दे देता हूं, आपको हर रोज 2 रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर दिए जाएंगे, एक होगा आपको टॉपिक वाइज और दूसरा होगा एलटीटेट पीवाईक्यू वाला, अर्थात जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उन्हें आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है सीरीज, अगर इंटरेस्टेड हो तो आप संपर्क कर सकते हो। कोई अन्य जानकारी रहती है आपको लेने हेतु तो आप हमें संपर्क कर सकते हो, नंबर हमारा 8293121299, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नंबर मिल जाएगा, हमारा यहाँ पर भी है ये नंबर, देखिए इस पे आप व्हाट्सएप करिए, कोई भी क्वेरी रहेगी तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी टीम के द्वारा एलटीटेट के लिए पीवाईक्यू सीरीज अवेलेबल करवा दी गई है, अर्थात एलटीटेट के लिए अगर आपको पीवीसी के क्वेश्चन पेपर चाहिए या फिर महत्वपूर्ण 1000+ क्वेश्चन चाहिए और भी अन्य महत्वपूर्ण चीजें हमारे पास उपलब्ध है एलटीटेट के लिए, तो आप इनसे संबंधित कुछ जानकारी चाहते तो इसके लिए भी आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न संख्या 47, ये हो गया था हमारा, 47 भी हमने कर लिया था। 51, इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, तो बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो यहां पर जो विकल्प है डी, धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण होगा। अगला प्रश्न है 52, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग है, तो मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होता है ये बताना है, तो ये हो जाएगा मादा मगरमच्छ, सी। अगला प्रश्न देखिए 53, इसमें क्या पूछा गया है, महात्म्य शब्द है, तो बताना है महात्म्य शब्द क्या है, तो ये होगा भाववाचक संज्ञा। आपको भाववाचक संज्ञा को थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना है, यहां से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है 54, इसमें पूछा गया है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, तो रेखांकित शब्द क्या होगा, यहां कोई यहां पर रेखांकित शब्द है, तो 54 का सही विकल्प हो जाएगा सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है 55, इसमें पूछा गया है राम घर गया और श्याम बाजार गया, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, और के लिए ये रेखांकित किया गया है 55 का, तो 55 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा डी, संयोजक। जो देखिए ये पीडीएफ उत्तर सहित उन मेंबर्स को दी जाती है जो हमारे पेड मेंबर है, तो अगर आपने भी पेड मेंबर की मेंबरशिप लेनी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो इसी नंबर पे, जो पेड मेंबर होते हैं तो उनको ये पीडीएफ दी जाती है। 56, सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है, तो 56 में जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा सतीश ने केले खरीदे। अगला प्रश्न है 57, इसमें क्या पूछा गया है, तो इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है
नागरिक शब्द का सही उपसर्ग चुनिए। उपसर्ग विच्छेद या विन्यास, तो जो 57 का सही विकल्प होगा नागर धन इक, ये सही इसका विन्यास हो जाएगा, उपसर्ग विन्यास। अगला जो प्रश्न है 58, इसमें आपसे पूछा गया है अनुधन एशन, इसका सही संधि शब्द क्या होगा? तो 58 का जो सही विकल्प होगा अन्वेषण, अनुधन एशन का होगा अन्वेषण। अगला जो प्रश्न है 59, इसमें आपसे पूछा गया है किसमें विसर्ग संधि है, तो किसमें होगी विसर्ग संधि ये बताना है। तो सही जो विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा यहां पर अतएव, यहां पर विसर्ग संधि है, ए सही विकल्प होगा। अगला जो प्रश्न है यहां पर 60, इसमें क्या पूछा गया है इनमें से अव्यय भाव समास कौन सा है, तो जो 60 का सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी। जो प्रतिदिन है इसमें है आपका अव्यय भाव समास, डी सही होगा यहां। अगला जो प्रश्न है 61, इसमें क्या पूछा गया है, तो इसमें पूछा गया है चौराहा में समास है, तो चौराहा में क्या समास होगा, 61 का सही विकल्प बताइए। तो 61 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो होगा द्विगु, जो द्विगु होते हैं द्विगु के अंदर होते हैं, जैसे चौराहा दोराहा इस तरह से, चौराहा दोराहा इस तरह के जो संख्या वाले आएंगे ये द्विगु में आते हैं, जैसे द्वंद में आते हैं रात दिन खाना पीना इत्यादि। अगला है 62, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा, वाक्य है तो बताना है कैसा वाक्य है ये, तो 62 का सही हो जाएगा संकेतवाचक, अर्थात यहां से संकेत हमें पता चल रहा है कि जो पढ़ेगा तभी उत्तीर्ण होगा, अगर आप फसल बीजोगे तभी उसमें फसल, अगर कुछ बोओगे तभी फसल होगी, अगर पानी दोगे तभी पेड़ बड़ा होगा, अगर आप खाना खाओगे तभी आपके शरीर में शक्ति आएगी, ये होते हैं संकेत। अगला है 63, इसमें क्या पूछा गया है संयुक्त वाक्य पहचानिए, तो संयुक्त वाक्य कौन सा है यहां पर, तो ये होगा विकल्प सी दवा खा लो और बुखार कम हो जाएगा, और यहां पर आ गया ना, तो ये होता है संयुक्त की निशानी और। अगला प्रश्न है 64, इसमें क्या पूछा गया है आपसे सही वाक्य का चुनाव कीजिए, तो यहां पर 64 में सही वाक्य का चुनाव करना है, क्या होगा सही, तो 64 का सही विकल्प हो जाएगा डी, भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, भ्रमर पुष्प के पराग को चूसता है, तो डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 65, इसमें क्या पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है जो यहां पर ये चिन्ह दिए गए हैं इन्हें क्या कहा जाता है ये बताना है, तो 65 का सही विकल्प होगा अर्धविराम कहा जाता है इन्हें, क्या, अर्धविराम। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है, तो 66 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये होगा सी लक्ष्य, वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करिए, हमारा देश धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिए 67, तो इसमें क्या पूछा गया है भई गति साप छुंदर केरी मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भई गति साप छुंदर केरी, तो 67 का जो सही विकल्प हो जाएगा असमंजस की स्थिति, डी सही विकल्प। अगला जो प्रश्न है 68, इसमें आपसे क्या पूछा गया है, तो इस प्रश्न में पूछा गया है नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ, नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ क्या होगा, तो जो 68 का सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका बहुत परेशान करना, नाक में सुपारी तोड़ना अर्थात बहुत परेशान करना। अगला प्रश्न है 69, इसमें आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पंक्ति कहावत नहीं है, कौन सी पंक्ति नहीं होगी ये बताना 69 का, तो जो 69 का सही विकल्प होगा गाय को अपने सिंह भारी नहीं लगते, ये कहावत नहीं है, बाकी
अंधा बगुला कीचड़ खाए, ये मुहावरा है। चांदी के जूते मारना, ये भी मुहावरा है। चिंटी के घर नित मातम, ये भी है। फिर अगला प्रश्न देखिए 70, इसमें आपसे पूछा गया है क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो जो क्रिया के मूल रूप को कहा जाता है तो ये कहा जाता है आपकी धातु। अगले प्रश्न को देखिए 70, इसमें आपसे पूछा गया है रस तरंगिणी किसकी रचना है। तो 71 का सही विकल्प हो जाएगा सी, भानुदत्त की रचना हो जाएगी रस तरंगिणी। अगला प्रश्न है 72, इसमें आपसे पूछा गया है कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है। तो 72 का सही विकल्प होगा 72 का श्रृंगार सी। यहां पर देखिए श्रृंगार गलत लिखा गया, श्रृंगार कैसे लिखा जाता है, श्रृंगार ऐसे लिखा जाता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है श्रृंगार बताइए कैसे सही रूप होगा श्रृंगार का, तो ये होता है श्रृंगार का सही रूप। ये अगला देखिए 73, इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है केवल आलंबन का साधारणीकरण होता है, केवल आलंबन का साधारणीकरण होता है, किसने माना ये। तो 73 का जो सही विकल्प हो जाएगा तो वो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये मत प्रस्तुत किया गया था। अगला जो प्रश्न है 74, इसमें क्या पूछा गया है। तो 74 में पूछा गया है छंद प्रत्यय में आने वाले विराम को क्या कहते हैं। तो 74 का सही होगा बी, यति, यति कहते हैं जब छंद को प्रत्यय में विराम आता है। अगला जो प्रश्न है 75, इसमें पूछा गया है दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। देखिए दोहे दो प्रकार के होते हैं, दोहा में दो प्रकार के चरण होते हैं, एक होता है सम एक होता है विषम। सम होता है 2-4 और विषम होते हैं 1-3, तो ये बताना है सम में कितनी विषम में कितनी होती है मात्राएं। तो विषम में होती हैं 13-13, सम में होती हैं 11-11।